को रिकॉर्ड करता। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे अपने कोड को। सबसे पहले जानेंगे कोड कंसेप्ट के बारे में कि कोड कंसेप्ट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूं कि प्रोग्रामिंग करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रिपरेशन है कि डेवलपर टैब आपके पास होना चाहिए, माइक्रो सिक्योरिटी आपका अनेबल होना चाहिए। डेवलपर टैब आपके सिस्टम में नहीं है तो आप फाइल मेनू बार में जाएं, ऑप्शन पे जाएं और यहां से कस्टमाइज रिबन से आप डेवलपर टैब ला दो। उसके बाद वन टाइम आप अपने माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करें, उसके बाद फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। गलती से भी इसको एक्सेल वर्कबुक में सेव मत कीजिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोड का, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाउ कैन डिक्लेयर द माइक्रो, कि हम माइक्रो फाइल कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो माइक्रो फाइल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स है, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ डेवलपर टैब के विजुअल बेसिक में, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+F11, जिससे आपके सामने खुल के आता है VB एडिटर। इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर। तो उसका विंडो इस तरह से होता है, और इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिस्टम में पहले से ही डिजाइन होता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो अब इसमें आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए आपका नेविगेटर विद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जहां से आप नेविगेट करोगे कि हमें कोड कहां करना है। दूसरा प्रॉपर्टी बार, और तीसरा कोड विंडो। तो हो सकता है कि जैसे खुल रहा है ऐसा खुल जाए, हो सकता है कि इसका डिफरेंस, हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ना हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर्टी बार ना हो, तो आप यहां से ला सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का ये आपका ये होता है Ctrl+R, एंड प्रॉपर्टीज के लिए होता है विंडो F4, सॉरी प्रॉपर्टीज विंडो के लिए F4 होता है। अगर मान लीजिए यहां पे शॉर्टकट ना मिले तो इसको आप व्यू मेनू बार से भी ला सकते हैं, राइट। तो अब जैसे कि जितने भी फाइल खुले होंगे उसका लिस्ट इस तरह से दिखेगा, जो भी फाइल खुला होगा उसका लिस्ट इस तरह से दिखेगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोड, आप पहले देख लीजिए कि आपको कोड कहां करना है। मुझे बुक 1 के अंदर कोड करना है, तो आपको यहां बुक 1 को ये करना है, एक्सप्लोर करना है। ऐसा हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो करना है। बुक 1 में जितने भी सीट होंगे उस सीट का लिस्ट आपको यहां दिखेगा, जैसे कि यहां पे सीट 3, सीट 4, सीट 5 कर दे, जितने भी सीट होंगे उसका लिस्ट आपको यहां दिखेगा। बट हम प्रोग्रामिंग करें तो कहां करें? क्या हम सीट 1 पे डबल क्लिक करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? क्या हम सीट 2 के ऊपर डबल क्लिक करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3 पे हम डबल क्लिक करके प्रोग्रामिंग नहीं करते। प्रोग्रामिंग जो भी होता है इस विंडो में होता है। अगर आप करते भी है तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि इसके दो प्रॉब्लम। पहला, जैसे मान लो जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो सीट 2 के बैकग्राउंड में सेव होगा। अगर किसी ने गलती से सीट 2 को डिलीट कर दिया, जैसे मैंने सीट 2 को डिलीट मार दिया, तो क्या होगा? मेरी प्रोग्रामिंग चली गई। दूसरा, अगर मैं सीट 2 में हूं और सीट 3 या सीट 1 से रेफरेंस लेना चाहूं तो उसमें समटाइम एरर देगा। तो क्या मैं दिस वर्कबुक पे क्लिक करूंगा? नहीं, आपको मॉड्यूल पे क्लिक करना है। बट मॉड्यूल ऐसे दिखेगा नहीं, आपको इंसर्ट में जाके मॉड्यूल को इंसर्ट करना है। मॉड्यूल इंसर्ट हो गया, अब मॉड्यूल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। जो मॉड्यूल के अंदर जो भी कोड होगा वो इस बुक 1 के प्रॉपर्टी में सेव होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में सेव नहीं होगा। दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द शीट्स। यस। और इसको इजीली जो है आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ओके? अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
तो कोड लिखेगा, देखिए यहाँ पे पब्लिक सब या पब्लिक लगाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप सब कर माइक्रो नेम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटरप्राइज सब कर दिया, सब करना था गलतियों में से। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक एंड स्टेप आ जाता है, तो जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे सब और एंड सब के बीच में लिखेंगे। अब जैसे अब टीटीएम ने किया तो आपके यहाँ माइक्रो लिस्ट में टीटी दिख जाएगा, यहाँ से रन करें ठीक है। तो जितने सब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे उतने लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कितने सब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं एक मॉड्यूल में। उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो क्रिएट हो गया हमारा, तो अब माइक्रो का नाम में भी डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए हमने डाला टेस्ट अंडरस्कोर टुडे, एक गलत नाम। माइक्रो नेम के बीच में किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर जैसे कॉमा डैश डॉट नहीं आना चाहिए या स्पेस नहीं आना चाहिए। हाँ अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, ओके। तो माइक्रो नेम डिफाइन करते समय किसी भी स्पेशल करेक्टर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। उसके बाद यहां मैं सब्जेक्ट मान लीजिए राज वन किया ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब बोलेंगे सर ए माइक्रोनेम तो सही है, नहीं ए माइक्रोनेम भी गलत है। क्यों गलत हुआ रवि जी बताएंगे माइक्रोनेम गलत क्यों हुआ? हेलो हेलो इस माइक्रोनेम को मिस माइक्रोनेम को गलत क्यों कहेंगे? ये मैक्रोनेम गलत तो नहीं है वैसे, ये गलत है क्योंकि राज वन को आप यहाँ रवि नहीं कर पाएंगे, कर पा रहे हैं? इसने क्या किया राज वन के रेफरेंस पे चला गया जी। तो राज वन नाम का रेफरेंस है तो मतलब थ्री डिजिट में कोई अल्फा न्यूमेरिक, थ्री करेक्टर में कोई अल्फा न्यूमेरिक नहीं रखेंगे क्योंकि थ्री करेक्टर में आपका है ना यहाँ होता है राजवान राय इस तरह के जो होता है ना, थ्री कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक आप न रखेंगे, थ्री कैरेक्टर तक ठीक है बनाओ रेफरेंस हो जाएगा। जैसे एच वन किया तो एच वन हो जाएगा आपको, जैसे डीएल वन ऑलरेडी है यहाँ पे, अगर हम डी एल वन करें तो डीएल वन पे पहुंच जाएंगे ना सर। तो ऐसे माइक्रो नेम डिफाइन नहीं होंगे। दूसरा एक नाम के दो माइक्रो एक फाइल में नहीं होने चाहिए ठीक है, डुप्लीकेट नेम नहीं होना चाहिए। तो माइक्रो डिक्लेयर करना फिर सीख गए आप जी? हेलो यस सर। अब इससे पहले हम माइक्रो पे आगे बढ़े उससे पहले हम जानते हैं टाइप ऑफ द माइक्रो। अभी हमने बोला है कि माइक्रो सीट वन की प्रॉपर्टी में सेव होगा या पब्लिक माइक्रो, तो क्या होता है माइक्रो इस चीज को जानते हैं। देखिए माइक्रो के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, पब्लिक माइक्रो। पब्लिक माइक्रो जो कि एक मॉड्यूल्स में ऐड है ठीक है, मतलब कि बुक वन के अंदर ही माइक्रो सेव है, जहां जहां बुक वन जाएगा वहां वहां हमारा माइक्रो भी जाएगा। जितने लोग बुक वन को एक्सेस करेंगे उतने लोग हमारे माइक्रो वन को भी पब्लिक माइक्रो को भी एक्सेस करेंगे, मतलब ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए इसको पब्लिक माइक्रो कहा जाता है। साथ में ही जैसे हमने माइक्रो बनाया है बुक वन में बट इसको हम कहीं भी रन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर बुक टू खोलूं तो मुझे बुक टू में भी इस माइक्रो को शो करेगा क्लियर है? क्लियर है। लेकिन इसमें एक लूप लूप है फॉल्स है कि आपका अगर आप दूसरे फाइल में माइक्रो रन करना चाहते हैं तो आप इंश्योर हो जाइए कि आपका वो पर्टिकुलर फाइल ओपन। जैसे मैंने माइक्रो जो बनाया और सेव किया बुक वन में, जब तक मेरा बुक वन ओपन है तब तक हम बुक टू में इस माइक्रो को रन कर सकते हैं। अगर बुक वन क्लोज हो गया तो माइक्रो लिस्ट में माइक्रो नहीं आएगा ओके।
दूसरा होता है प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पर्सनल पर्सनल मैक्रो। पर्सनल मैक्रो क्या है, जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो यहां देखते होंगे 20 वर्कबुक, यह आता है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इसका यूज कब होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि पब्लिक मैक्रो को हम एक फाइल से दूसरे फाइल में तभी यूज कर सकते हैं जब वो पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जिसमें मैक्रो रिकॉर्ड या कोड किया गया है। तो मुझे मान लीजिए अगर कुछ ऐसा बनाना है जो कि एक एक्सेल का फीचर हो जाए, जैसे कि पिवट टेबल है, जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग है, तो वो एप्लीकेशन का पार्ट है, जो भी कोई भी नया पुराना फाइल करो सब में मुझे मिलता है, मुझे इस तरह का चीजें बनानी है, तो उस केस में आपको पर्सनल मैक्रो करना पड़ेगा। तो पर्सनल मैक्रो क्या करता है, जो भी मैक्रो रिकॉर्ड होता है या मैक्रो कोड होता है उसकी जो कोडिंग है उसका जो रिकॉर्ड है वो क्या करता है, ऑफिस लाइब्रेरी में सेव कर देता है, मतलब कि वो आपके कंप्यूटर पे ही होता है, जिस कारण से किसी पर्टिकुलर फाइल से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, वो हर फाइल के लिस्ट में शो करता है। समझ गए, तो पर्सनल मैक्रो समझ में आया, तो पर्सनल मैक्रो को रिकॉर्ड किया जाता है ना कि कोड किया जाता है, ठीक है, क्लियर है सागर जी, क्लियर है रवि, रवि मेहता जी, पब्लिक मैक्रो को हम पर्सनल मैक्रो बना देते हैं एज इंस की मदद से, वो हम आगे क्लास में समझाएंगे। दूसरा होता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो मतलब कि मैं अभी जो है मैक्रो जो भी हम बनाएंगे तो क्या होगा, उस मैक्रो को रन करने के लिए मुझे कुछ मेथड है, जैसे कि हम मैक्रो जिसमें जाके रन करें या शॉर्टकट बनाया हुआ है शॉर्टकट प्रेस करें या किसी बटन पे असाइन है तो उस पर क्लिक करके हम उस मैक्रो को यूज करें, मतलब कि मैक्रो तभी रन होगा जब मैं चाहूंगा, राइट। लेकिन जैसे ये हुआ ना दरवाजा हुआ कि जब मैं हैंडल खोलूंगा दरवाजा खोलूंगा तो खुलेगा, बट मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि जैसे आदमी को देखते आते देखे और दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाए, मतलब सेंसर लगाना। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरे किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे एक्शन में मेरा मैक्रो रन हो जाए, जैसे कि मैं सीट फोर पे कहीं भी क्लिक करूं वो कलर रेड हो जाए, तो कलर रेड करने का जो कोड है कब रन हो, जब मैं ई क्लिक करूं, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं राइट क्लिक करके व्यू कोड और यहां हम वर्कशीट और ये सिलेक्शन चेंज पे गया और हमने बोल दिया एक्टिव सेल्स डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू यूवी रेड, ओके। मैं जहां भी क्लिक करूंगा वो रन हो जाएगा, रन हो गया। तो जो कलर कोड करने का कब रन हो रहा, जब मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूं, ऐसी फाइल होते ओपन होते खुल जाए, लॉगिन पर आईडी पासवर्ड मांगे, सीट इंसर्ट होते ही सीट का नेम मांगे, डबल क्लिक करूं तो कुछ रन हो जाए, तो इस तरह के जो इवेंट है वो इवेंट मैक्रो हम करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम मूल पे ही करते हैं, सीट वन सीट टू पे नहीं करते, सीट वन सीट टू पे कौन होता है इवेंट मैक्रो कोडिंग, जैसे अभी मैंने सीट फोर पे किया हुआ है ना, तो सीट फोर में कोड ऐसे डबल क्लिक करके हम यहाँ पे इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं लिस्ट और यहाँ से हम इवेंट को सिलेक्ट करके रन करते हैं, वो आपको इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो गांधी जी रवि जी एंड सागर जी माइक्रो प्रोग्रामिंग समझ में, टाइप ऑफ द माइक्रो समझ में आ गया। अब बोलेंगे तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है क्योंकि हम जो है माइक्रो बनाते समय इसका ध्यान रखेंगे कि हम कौन सा माइक्रो बनाए। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा करना है कि मेरा एक रिपोर्ट जब भी मैं फाइल ओपन करूं मेरा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाए, तो उसके लिए हमें इवेंट माइक्रो में कोड करना पड़ेगा ना, समझ गए। मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तो हमारा मैक्रो रन हो तो हमें पब्लिक मैक्रो लेना है, मैं अपने एक्सेल का पार्ट एक्सेल के एक फीचर की तरह डेवलप करना है तो हम पर्सनल मैक्रो यूज करेंगे, बात समझ रहे हैं।
वो टाइप ऑफ माइक्रो भी इम्पोर्टेंट है जानना, जो कि मैंने आप जान गए, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। समझ गए सर? अब बात करते हैं, हमने माइक्रो के टाइप समझ लिया, हमने समझ लिया हमें कोड कहाँ करना है, और हमने भी समझ लिया कि हम कैसे माइक्रो डिफाइन करें। इतना समझ चुके हैं सभी जी? सागर जी एंड क्या गांधी जी? यस सर, यस सर। बात आती है कि हम पहला वर्ड क्या लिखें। जैसे आप कोई इंग्लिश का लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो मोस्टली पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है ना, क्या सर? नाउन या प्रोनाउन होता है। उसी तरीके से इसके चार ऑब्जेक्ट है। पहला है एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन हो गया। उसके दूसरा है हमारा वर्क बुक, तीसरा है हमारा शीट, चौथा है रेंज। तो मोस्टली कोड जो है इन चारों से स्टार्ट होता है या इन चारों का सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे वर्कबुक होगा तो हो सकता है यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक भी हो, दोनों एक ही जैसा है, सब्स्टिट्यूट है, अलग अलग नाम है। शीट हो तो शीट हो या एक्टिव शीट भी हो सकता है। रेंज है तो रेंज की कैटेगरी में आता है आपका एक्टिव सेल्स, सेल्स सिलेक्शन, समझे? तो इन चारों में से कोई एक हो सकता है। तो इन्हीं कोड के साथ स्टार्ट होता है। जैसे अभी जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है, आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है उस रिकॉर्ड में आपने देखा कि हमारा पहला वर्ड वही है जो इन चारों में से कोई एक होगा, जैसे सिलेक्शन। अब ये कोड क्या है, कैसे है, हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले समझिए कि कौन सा कोड पहले आए, कौन सा कोड होगा, कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है आपका एल्गोरिदम पे। अब बोले सर एल्गोरिदम क्या है? देखिए नॉट ए बीवी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसके कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि हम अगर करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहला होता है एनालिसिस। पहले हम प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, देन हम उसकी एल्गोरिदम बनाते हैं। उसके बाद हम उसकी कोड को करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, देन उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको रिकोड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। मतलब कोई एरर आया तो एक तो कब तक चलता रहता है, जब तक हमारा टेस्ट पास ना हो जाए, देन अप्लाई होता है। ये जो है 5 स्टेप है किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने का। पहला हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, दूसरा उसकी एल्गोरिदम लिखेंगे, तीसरा हम उसकी कोडिंग करेंगे, चौथा हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, और फिर उसका हम अप्लाई करेंगे। तो एनालिसिस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम दूसरे नंबर पे आते हैं एल्गोरिदम पे। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लिखना है नेम, लिखना है सिटी, और अमाउंट जो है हमें वीवीए माइक्रो के थ्रू लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपको कैसे इसका पहले तो इसका तैयार करना पड़ेगा एल्गोरिदम। स्टार्ट सेलेक्ट A1 एंटर नेम, सेलेक्ट B1 एंटर सिटी, सेलेक्ट C1 एंटर अमाउंट और एंड। अब बोले सर ये क्या है, मतलब ये क्या है एल्गोरिथम है? तो क्या होता है कि VBA में एक स्टेप के लिए एक लाइन की कोड होती है। जैसे मुझे अगर सिलेक्ट A1 करना है तो यहां से हम एक लाइन में कोड लिखेंगे रेंज A1.select। और जाहिर सी बात है स्टेप को भी फॉलो करना है। जैसे पहले सिलेक्ट होगा देन टाइप होगा, जैसे पहले पिवट लगाना है तो पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे फिर पिवट लगाएंगे हम, तो इसलिए हम एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं। अब बोलेंगे सर ये तो दिमाग में फिट है, तो ये छोटी सी बात थी जो दिमाग में फिट है आपका, लेकिन अगर हम बात करें बड़े बड़े माइक्रो प्रोजेक्ट की, जैसे मान लीजिए कि
गांधी जी को कुछ प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे लिए एक फाइल जनरेट कर दीजिए। अब उन्होंने बताया मैं फाइल में यहाँ जाता हूँ वहां जाता हूँ ऐसे करता हूँ ऐसे करता हूँ, अब सारी बातें याद थोड़ी रहेगी, तो उसकी स्टेप में लिख दें। और ऐसी भी हो सकती है कुछ कंडीशन उन्होंने पहले बताया था दूसरा कंडीशन बाद में, तो उसका सिक्वेंस भी हमें याद होना चाहिए, इसलिए हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो एल्गोरिथम समझना आया क्या होता है कैप्टन जी, रवि जी एंड सागर जी? यस सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। अब आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज है कि आपके जो ऑफिस में रिपोर्ट, आप ऑफिस में रिपोर्ट तो बनाते ही होंगे ना सर, उसके एल्गोरिथम आप नोटपैड में लिखने की कोशिश करो ताकि आपको स्टेप्स का बारे में पता हो, पहली चीज। दूसरी, आपको मैंने बोला था एक बार पहले बोला होगा, अरे दोबारा बोल देता हूँ कि वेबसाइट है excel-vba.com, ठीक है जी। इसको एक बार स्टडी कर लीजिए, इसके कुछ चैप्टर्स है उसको स्टडी कर लीजिए। उतना पढ़िए, मैंने भी शुरुआत में पढ़ा था सर। नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है।